पहले तो वो आके मेरे पास बैठता था, लेकिन अब फैक्ट्री से आते है कमरे में चला जाता है, बस खाने के वक्त ही बाहर आता है, फिर कमरे के अंदर वापस। अम्मा जी ऐसी बात नहीं, आप तो जानती हैं वो रुशना को सामना नहीं करना चाहते। लेकिन इस तरह कब तक छुपता रहेगा वो? रुशना को तो इसी घर में रहना है। वक्त के साथ से संभल जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नानी जान। वालेकुम अस्सलाम बेटा। नानी से मिलने भी नहीं आई। आई एम सॉरी नानी जान, वो कल मैं और नोफिल के दोस्त के घर चले गए थे डिनर करने, और फिर वहाँ से हम चले गए सी व्यू, इतने लेट वापस आए इसलिए मैं नहीं आ सकी। आई एम रियली सॉरी। तुम यूं ही हमेशा हंसती मुस्कुराती रहो बेटा। जो लोग दूसरों की खुशियों पर डाका डालते हैं ना, ज्यादा देर खुश नहीं रह सकते। क्या हो गया रिश्ता तुम्हें? जिस खुशी को तुमने हकीर समझ कर ठुकराया था ना, उसी खुशी को इसने अपने दामन में भर लिया, और आज देखो इसके नसीब से, वो पत्थर जैसा लड़का हीरे की तरह जगमगा रहा है। आपने हमेशा गुल को तरजीह दी है दादी जान, और हमेशा इसी के गुण गाते रहे, इसी की तारीफ कर रही हैं आज भी। मुझ में तो हमेशा आपको कीड़े ही नजर आए हैं। ऐसी बात नहीं है रुशना, नानी जान तुमसे बहुत मोहब्बत करती है और तुम्हारी भलाई के लिए तुमसे बोलती है, बस चाहती है कि तुम कुछ सीख जाओ, समझ जाओ, इसीलिए। मुझे तुम्हारी हमदर्दी नहीं चाहिए गुल। मेरी बात समझने की कोशिश करो, प्लीज नाराज नहीं हो मुझसे। तुम्हें पता है मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, और तुम इस तरह छोड़ने छुड़ाने की बातें कैसे कर सकती हो? तुमसे एक दिन नहीं मिलता, तुमने मेरा हाल देखा। यार क्या हो गया शेती, क्यों मेरा दिमाग चाट रहे हो यार? तुम्हें मेरी मोहब्बत का यकीन जो नहीं आ रहा। स्टूपिड, मैंने ये कब कहा कि मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है? तुम वाहिद मेरे दोस्त जिससे मैं सब शेयर करती हूँ, जिसके साथ मैं पूरा दिन गुजारती हूँ। शादी और मोहब्बत दोनों अलग चीजें हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। शादी के बाद दो लोगों को हमेशा साथ रहना पड़ता है, ये फैसला बहुत सोच समझ कर करने वाला है शेजी। तो देखो हम अभी भी तो साथ होते हैं, तुम अभी मेरे साथ इसलिए हो ना क्योंकि कंफर्टेबल हो, तो शादी करने में क्या हर्ज है? शेजी तुम मुझे बोर कर रहे हो, बार बार एक ही बात को दोहराना मुझे पसंद नहीं है। आखिरी बार तुम्हें बता रही हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। दोस्त की हद तक ठीक है, हस्बैंड नो। हस्बैंड के लिए मेरे माइंड में कुछ और चीजें हैं, डोमिनेटिंग पर्सनालिटी हो, अगर कोई ऐसा मिलेगा तो ठीक है मैं कर लूंगी शादी, वरना मैं शादी को जरूरी नहीं। और सुनो, आज के बाद इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करूंगी, चलो मुझे घर छोड़ो, वरना मैं तुमसे मिलना बंद कर दूंगी। अफसोस हो, इतना सब कुछ होने के बावजूद रोशना को अकल नहीं आई। भाभी मुझे तो लगता है कि वो पहले से ज्यादा बदतमीज और खुदसर हो गई। मुझे चाहे वो कितनी भी बातें सुना ले, बुरा भला कह रहे, मैं बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन अम्मी और नानी जान एटलीस्ट उनसे तो बदतमीजी ना करे। तुम्हारे साथ भी क्यों करे? तुमने उसका क्या बिगाड़ा? उसको लगता है कि नोफिल को मैंने छीन लिया है उससे, उसके हक पे डाका डाला है। आप जानती हैं वो मुझसे क्या कह रही थी? कह रही थी तुम कभी खुश नहीं रहोगी, तुमने मेरी खुशियां छीन लेंगे। तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि वो खुद इन खुशियों को हकीर समझ के लात मार के गई है। बेचारे नोफिल ने कितना मनाया उसे, लेकिन उस वक्त तो उसे जिब्रान के दिए हुए हीरे और गाड़ियां, प्रॉपर्टी, ये सब कुछ नजर आते हैं। हमें तो बिल्कुल उसने हकीर समझा, के बावजूद भी हम सब ने उसको फिर से एक्सेप्ट किया। उसको घर में वही मकाम, वही जगह भी जो पहले थी उसकी, लेकिन कि उसको पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि उसकी शादी नौफिल से हमारी वजह से नहीं हुई और जिब्रान ने उसे हमारी वजह से छोड़ दिया। और आप जानती हैं बात बात पे वो अम्मी को ताने देती है कि आपने अपनी अपनी बेटी को मेरी जगह दे दी, मेरा हक छीन लिया। लेकिन ऐसा नहीं है, तुम जानती हो अगर तुम्हारा जमीन मुतमईन है तो उसकी बातों का फर्क नहीं पड़ना चाहिए।